है क्या, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और सिंगुलर प्लुरल, ठीक है, उसका काम आएगा अभी, ठीक। जब तक नहीं जानेंगे पहले तब तक नहीं होगा ना, ठीक है, शॉर्ट में ही पढ़ाएंगे, शॉर्ट ज्यादा अच्छा रहता है। चलो चलो लिखो नंबर, नंबर होता है जैसा नंबर समझता है, एक दो जैसे है ना, तो सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, नंबर होता है, ठीक। उसके बाद फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या, नंबर, ठीक। तो नंबर दो होता है, ठीक है, पहला होता है क्या, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर लिख लो जल्दी। सिंगुलर का मतलब होता है क्या, एक आदमी, ठीक है। सिंगुलर का मतलब एक चीज या एक आदमी, ठीक है। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक चीज या एक आदमी, ठीक है। प्लूरल दो या दो से ज्यादा, ठीक है, दो या दो से ज्यादा, समझ में आया। सिंगुलर का मतलब एक आदमी, सिर्फ एक इंडिविजुअल, ठीक। प्लूरल का मतलब दो या दो से अधिक को बोलते हैं क्या, प्लूरल, ठीक। हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, सॉरी, इसको बोलते हैं हिंदी में वचन, और इसको एक वचन, और ये बहुवचन, बहुवचन, ठीक है, एक वचन, बहुवचन, ठीक। और संस्कृत में होता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। चलो जल्दी लिखो, ठीक है। तो एक वचन, ठीक है, सिंगुलर नंबर, एक वचन उसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, एक वचन, एक वस्तु एवं व्यक्ति का बोध कराता है। हाँ, तो सिंगुलर नंबर क्या है, एक वचन क्या है, एक वचन एक वस्तु एवं व्यक्ति का बोध कराता है। जल्दी जल्दी लिखो, सिंगुलर नंबर, एक वचन का मतलब क्या है, एक वचन एक वस्तु एवं व्यक्ति का बोध कराता है, ठीक है। दो नंबर प्लूरल, प्लूरल नंबर, ठीक। प्लूरल नंबर को क्या बोलते हैं, बहुवचन, ठीक है। हिंदी में ऐसे वचन तीन होता है, ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में कितना वचन होता है, तीन ठो, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, लेकिन इंग्लिश में दो ठो होता है, ठीक है, एक वचन और बहुवचन, ठीक है, इसीलिए। चलो, दो या दो से अधिक वस्तुओं एवं व्यक्तियों का बोध कराने वाले शब्द को प्लूरल नंबर कहते हैं। दो या दो से अधिक वस्तुओं एवं व्यक्तियों का बोध कराने वाले शब्द को प्लूरल नंबर कहते हैं। पर्सन बताएंगे, ठीक है, उसका डेफिनेशन सब नहीं बताएंगे। चलो, पर्सन,
ग्रामर में पर्सन होता है, इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, पर्सन। तो पर्सन तीन प्रकार का होता है, पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन, ठीक। पर्सन का कितना भाग होता है? तीन भाग होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या है, सेकंड पर्सन का मतलब क्या है, और थर्ड पर्सन का मतलब क्या है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है, पहला आदमी, बोलने वाला, करने वाला, करने वाला, बोलने वाला, ठीक है। फर्स्ट पर्सन क्या है, बोलने वाला या करने वाला, ठीक है। बोलने वाला क्या है, पहले यहां समझो, बोलने वाला क्या है, फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोला जा रहा है, जिसके बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। पर्सन का कितना भाग होता है, तीन भाग होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। पर्सन का कितना भाग होता है, तीन भाग होता है।